मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र क्षेमवन का कल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की योग और नेचुरोपैथी की परंपरा ने माना कि जितने भी धर्म के साधन हैं, ये सभी शरीर के माध्यम से ही पूरे हो पाएंगे। एक स्वस्थ शरीर ही कार्यों को संपन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया ने योग और आयुष की ताकत को सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के दौरान स्वीकार किया और इम्यूनिटी को बढ़ाने में आयुष ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक आईटी टेक्नोलॉजी अब तेजी के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक नए हब के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है और एक घनिष्ठ संबंध इस रूप में भी कर्नाटक की परंपरा में भगवान श्री मंजुनाथ यह नाथ संप्रदाय की शैव परंपरा की ही मंजुनाथन गोरक्षम की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है और एक सुदृढ़ आध्यात्मिक भाव के साथ एक दूसरे को जोड़ता है। मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा डॉक्टर बीरेंद्र हेगड़े जी का, जिन्होंने धर्माधिकारी के रूप में भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की इस परंपरा को योग एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से दशकों पूर्व आगे बढ़ाने का कार्य किया। पहले शांतिपन के रूप में, फिर सौम्यपन के रूप में और अब बेंगलोर में क्षेमवन के रूप में इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का एक अद्भुत केंद्र यहां पर दिया है और बेंगलुरु के पास इस प्रकार का एक केंद्र कर्नाटक की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह परंपरा केवल यहीं पे नहीं है, कर्नाटक तो वैसे भी संकट का साथी कहा गया है। प्रभु राम जब वन में सहयोग के लिए भटक रहे थे तो इसी कर्नाटक में बजरंगबली मारुति नंदन हनुमान जी ने उनकी सहायता करने के लिए आगे आए थे। यही कर्नाटक का क्षेत्र है।